ने क्लास में एक डिबेट रखी वेज वर्सेस नॉन वेज पर। मेरा पर्पस था कि मेरे जो स्टूडेंट नॉन वेज खाते हैं वो इस डिबेट के बाद वेज खाना शुरू कर दे। इस डिबेट में एक लड़की ने क्वेश्चन किया कि सर B12 की कमी को वेज सोर्स से कैसे पूरा कर सकते हैं, क्योंकि B12 की कमी जैसे उसके डॉक्टर ने बताया सिर्फ एनिमल बेस्ड फूड से ही पूरी हो सकती है। मेरे पास इसका कोई उत्तर नहीं था। मैं उत्तर ढूंढने के लिए मैंने स्टडी करना शुरू किया। जो स्टडी की मैंने, जो भी आप इसमें रिसर्च की, वो आपके सामने पेश कर रहा हूं कि B12 की कमी को वेजिटेरियन पीपल कैसे पूरा कर सकते हैं, और कम से कम 21 वेज आपको इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। फर्स्ट इज हम ये देख लें कि इंडिया में B12 की कमी का स्टेटस क्या है। नंबर एक, 47% पीपल जो हैं इस स्केल पर जब आप अपना ब्लड टेस्ट करवाते हो तो ऐसी मेजरमेंट आपको मिलेगी। इस मेजरमेंट के बेस पर आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि आपको डेफिशिएंसी है। यहां पर नॉर्मल है, डेफिशिएंसी नहीं है, और ये डेफिशिएंसी की डिग्री है। ये वेरी हाई डेफिशिएंसी है और ये माइल्ड है, ये बॉर्डरलाइन के पास है। तो 47% इंडियन जो है वो इस कैटेगरी में आ रहे हैं जिनको डेफिशिएंसी इतनी ज्यादा है, और 27% जो लोग हैं वो इस और इस कैटेगरी में आ रहे हैं, कम डेफिशिएंसी है, बॉर्डरलाइन में आ रहे हैं, और सिर्फ 26% पीपल हैं इंडियन जो नॉर्मल है विद रिस्पेक्ट टू B12 विटामिन। अच्छा, PGI ने एक दो साल पहले एक सर्वे किया चंडीगढ़ में, जिसने उसने बताया कि 50% से लेकर 70% पीपल को डी विटामिन की और विटामिन B12 की कमी है। तीसरी रिसर्च है अमेरिका में, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये लॉजिक दिया जाता है कि नॉन वेज ना खाने से इसकी कमी आती है। हम ये जानते हैं कि अमेरिकन नॉन वेज लगभग सारी पॉपुलेशन खाती है, तो उनकी सारी पॉपुलेशन में से 40% में B12 की कमी पाई गई है। तो ये इसको समझने के लिए, और हम इस कमी को, ये क्यों हुआ कि नॉनवेज लेने के बाद भी कमी क्यों है, इसको समझने के लिए हम आगे देखेंगे कि अच्छा पहले ये समझ लें कि B12 करता क्या है, फंक्शन क्या है इसका। बेसिकली हमारे ब्लड को हेल्दी रखता है। नंबर दो, नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखता है। ब्लड में से हमारे जो रेड ब्लड सेल हैं इनको ये कंस्ट्रक्ट करता है, बनाता है। अगर B12 की कमी है तो ये ब्लड सेल कम बनेंगे, अगर बनते हैं तो वो कमजोर बनेंगे, टूट जाते हैं, जिसके कारण ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑक्सीजन की कमी के कारण आपको क्या फील होगा, नंबर एक ये सिम्टम है। अगर आप में ऐसे हैं तो एक कारण उसका B12 की कमी हो सकता है। तो ऑक्सीजन कम मिलने से क्या होता है कि आप थकान महसूस करते हो, वीकनेस महसूस करते हो, जल्दी सांस जल्दी चढ़ जाती है, ओके, नंबनेस, कभी उंगलियां या हाथ या पांव या वायु आपकी सुन्न हो जाती है, आपकी स्किन थोड़ी येलोइश या व्हाइटिश, थोड़ा उसका रंग बदलता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, कब्ज की प्रॉब्लम रहती है, गैस की प्रॉब्लम रहती है। अच्छा, मसल वीकनेस बहुत ज्यादा रिपोर्ट की जाती है, क्योंकि मेरे खुद के भी बैक प्रॉब्लम जब थी, अच्छा जो मेरे एक दो दोस्त हैं उन्होंने भी, जिनको उनके हेडेक है, इनकी एड़ियां ही दर्द करती रहती हैं, ये सभी उनका कारण B12 की कमी ही है, क्योंकि उनको डॉक्टर ने न्यूरोबिन फोर्ट टेबलेट है वो डेली एक या दो खाने को कहा। जब मैंने न्यूरोबिन फोर्ट की स्टडी की तो वो उसमें बी कॉम्प्लेक्स प्लस विटामिन B12 है। तो विटामिन B12 से ये जो मस्कुलर पेन्स हैं आपके बॉडी में कहीं भी हो सकती है,
अच्छा आप कम चलना जल्दी थक जाते हो, अच्छा रेटिना अगर बी12 कमी है कि आपका आंख का जो पिछले भाग में यहां पर रेटिना होता है वो रेटिनल सेल वीक हो जाते हैं जिसके कारण आपकी विजन की प्रॉब्लम आ जाती है। दूसरा जो नर्व्स या नर्वस सिस्टम को बी12 पे करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। नर्वस सिस्टम क्या है इसको थोड़ा सा समझ लें। नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स हैं या नर्व्स हैं वो एक नर्व्स दूसरी को ऐसे मैसेज देते हैं ब्रेन में, हमारी बॉडी में ये मैसेज पहुंचता है। जब ये नर्व्स बी12 की कमी के कारण वीक हो जाती है तो ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है इनमें वो वीक हो जाता है। वो कम्युनिकेशन वीक होने के कारण ये मेंटल प्रॉब्लम जो आती है, मीन आपकी मेमोरी जो है वीक हो जाती है। नंबर दो, आपका डिसीजन मेकिंग पावर वीक हो जाती है। अच्छा आप जिंदगी से निराश हो जाते हो, अकेले रहते हो, उदास रहते हो, किसी से बात नहीं करते, खाना कम खाते हो, चुप चुप रहते हो, ये सारे सिम्टम है डिप्रेशन के, डिप्रेशन में जा सकते हो। आपकी थिंकिंग जो है वो पुअर हो जाती है। ये नर्वस सिस्टम पर जो बी12 की कमी का इफेक्ट होता है। डेमेंशिया एक डिजीज है जो इन्हीं मेंटल प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करती है, ऐसे होता है। बी12 की कमी के कारण अगर नर्व कोई डैमेज होती है तो वो दोबारा नहीं बनती, इट मींस इस कमी को हम दोबारा पूरा नहीं कर सकते। अगर विटामिन बी12 की कमी लंबे समय से है और ज्यादा है तो ये हार्ट रिलेटेड डिजीज को इनवाइट कर सकती है, कैंसर को इनवाइट कर सकती है, डेमेंशिया की बात हो चुकी है, तो इतना डेंजरस हो सकता है और इतनी लार्ज पॉपुलेशन अफेक्टेड है। विटामिन इसकी कमी को, बी12 की कमी को समझने के लिए ये डायग्राम आपके सामने है। एक कमी का कारण क्या होता है कि हमारी इनटेक कम है। इनटेक का मतलब है कि ये ह्यूमन बीइंग है, इनटेक इन्होंने फूड जो खाना है, मान लीजिए फूड जिसमें बी12 है वो इन्होंने खाया कम, कितना कम, ये क्राइटेरियाज है, आप देख सकते हो किस एज में कितना हमें बी12 चाहिए। ये बहुत कम मात्रा में चाहिए, वो भी हम पूरा, हमारी डाइट पूरा नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल हम जो 3 एडोलेसेंट बच्चे हैं उनको 2.4 माइक्रोग्राम्स चाहिए और जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनको थोड़ा ज्यादा चाहिए 2.8, अडल्ट जो हम है 2.4। मतलब के इतना बी12 से हम जो फूड से इतना बी12 अगर नहीं लेते, नहीं खाते, हमारे अंदर नहीं जाता, ठीक है। दूसरा, जिनके अंदर इतना बी12 चला तो गया लेकिन अब्सॉर्ब नहीं हुआ, अगर अब्सॉर्ब नहीं हुआ उसके स्टोमक ने, जो गट ने डाइजेस्ट नहीं किया, निकाल दिया, अब्सॉर्ब होने का मतलब है कि वो ब्लड तक नहीं पहुंचा, ये स्टमक तक पहुंचा, ओके। कई लोगों की स्टमक तक, मुंह से स्टमक तक नहीं पहुंचता, और जिनके स्टमक तक, अमेरिकन की जो 40% की बात की है, नॉनवेज खा रहे हैं ना, लेकिन वो अब्सॉर्ब ही नहीं कर पाते। ये दो कारण हैं जिसके कारण बी12 की कमी आती है। इन दोनों को जब तक पूरा नहीं कर सकते आप मतलब ठीक नहीं हो सकते। नेक्स्ट है कि मैंने वो सोर्सेज, वेज सोर्सेज, क्योंकि डिबेट मेरी इसी पर थी कि कुदरत ने इंतजाम किया होता है वेज सोर्सेज जिनको हम लेके अपनी कमी को पूरा कर सकते हैं, उनको रैंक दिए हुए हैं। इनको रैंक में नहीं रख रहा क्योंकि ये लगभग मेडिकल ट्रीटमेंट है जो इनका, जिनको एक्सट्रीम में डेफिशिएंसी है, जो इस कैटेगरी में आ रहे हैं उनको इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, ठीक। नेक्स्ट है इसके साथ ही हाई डोज ऑरल विटामिन, ये वो इंजेक्ट करते हैं, ये इनटेक लेनी पड़ती है, टैबलेट्स डेली खानी पड़ती है, ये मेडिकल ट्रीटमेंट में आ गया। नेक्स्ट है जो हमने, इस वीडियो का पर्पस है कि हमने कौन सा फूड खाना है, लास्ट रैंक पर कौन सा फूड आ रहा है, मेरे पास है फोर्टिफाइड फूड,
अब फोर्टिफाइड फूड्स क्या है जिनमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स शामिल कर दिए जाते हैं। मान लीजिए मिल्क में जो है काउ मिल्क है उसमें एक्स्ट्रा विटामिन डी या विटामिन B12 और शामिल कर दिया। उन फूड्स में क्या क्या शामिल है, रैंक 14 पर आता है जो सीरियल हम खाते हैं डेली ब्रेकफास्ट में है। इसको लास्ट में क्यों रखा, मेरे तीन क्राइटेरिया थे, एक तो अवेलेबिलिटी कॉमन पीपल के लिए, दूसरा के उसका प्राइस क्या है, कॉमन पीपल आराम से खरीद सकते हैं, इंडियन लोग आप जानते हो जिनको दो वक्त की रोटी शायद हर रोज नसीब नहीं होती उनको वो इस तक पहुंच सकते हैं, तीसरा के क्राइटेरिया बता रहा हूं, तीसरा क्राइटेरिया के उस फूड में विटामिन B12 की कितनी मात्रा है, क्योंकि ये गरीब लोग तक नहीं पहुंच सकता है इजिली, काफी महंगा है, एक आप पैकेट खरीदते हो तो हार्डली दो तीन दिन में, ठीक अमीर लोगों को इसलिए है लेकिन अमीर लोगों के लिए रैंक पीछे रखा हुआ है। नेक्स्ट है ये भी अमीर लोग ही यहां तक पहुंच सकते हैं, कोकोनट ड्रिंक है, ये तो शायद इजिली अवेलेबल भी नहीं है, ठीक तो इसको 13th रैंक पर रखा हुआ है। नेक्स्ट है फोर्टिफाइड जूसेस अवेलेबल है B12 के साथ जूसेस के लिए आते हैं, लेकिन ये भी सस्ते नहीं है, महंगे हैं। ये डाइट इसका मतलब नहीं है रैंक पीछे है तो आपने नहीं लेना, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आपको जरूर लेना चाहिए। नेक्स्ट है जो हम सप्लीमेंट्स के मिल्क में डालकर, ये बॉर्नविटा है, कॉम्प्लान है, हॉर्लिक्स है, बादाम मिल्क है, ये डेली डाइट में हम ले सकते हैं, इनमें B12 शामिल होता है। ये थोड़े सस्ते हैं, ये ऑर्गेनिक है, बहुत महंगे हैं, ये अगर 300 का है तो हर्बल लाइफ का एमवे का 3000 का होगा, तो आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं लेकिन गरीब लोग नहीं कर सकते, दैट इज वाई इनको पीछे वाले रैंक में रखा है। नेक्स्ट है आपका सोयाबीन इज गुड सोर्स ऑफ विटामिन B12 ओके, तो उसमें दो है, एक तो सोया मिल्क एक तो आप सीधा जो ले सकते हो, ठीक एक फोर्टिफाइड है, फोर्टिफाइड में एक्स्ट्रा ऐड किए गए हैं वो फूड ले सकते हो। 10th रैंक में इसको रखा गया है, ये फूड इजीली अवेलेबल भी है। नेक्स्ट है टोफू जो सोया मिल्क से बनता है, जैसे हम पनीर बनाते हैं उसको बॉयल करके, ऐसे ही सोया मिल्क को बॉयल किया जाता है, बॉयल करने के बाद उसमें वो जो सिट्रिक एसिड डाला जाता है वो उसके बाद जैसे पनीर बनता है वैसे वो टोफू बनता है। नॉर्मल टोफू चीज से सस्ता है, वो आम लोग 10-20 रुपए का आ जाता है जिससे आप सफिशिएंट ले सकते हो, खा सकते हो, लेकिन फोर्टिफाइड जो टोफू होगा वो थोड़ा महंगा होगा, दैट इज वाई इसको रैंक 9th पर रखा है जो B12 की कमी को पूरा करता है। नेक्स्ट है हमारे पास चीज, स्पेशली काउ मिल्क से, गाय के दूध से बना हुआ, वो B12 के लिए बेटर है। मिल्क प्रोडक्ट सारे ही जितने होते हैं उनमें B12 होता है, मात्रा थोड़ी कम से ज्यादा होती है, चीज में थोड़ी ज्यादा है इसलिए काउ मिल्क से इसको थोड़ा आगे रखा हुआ है। एक और बात, अगर आप आधा किलो चीज डेली खाते हो तो आपकी जो कमी है लगभग आपको 2.4 के करीब B12 मिल जाता है। मेरे ख्याल में कोई रोज आधा किलो पनीर नहीं खा सकता, दैट इज वाई ये इसको थोड़ा पीछे रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, याद रखना उसके साथ जो है पनीर के साथ काउ मिल्क शामिल है, उसकी अलग कैटेगरी नहीं बनाई। काउ मिल्क इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी बेनिफिशियल फॉर इंक्रीजिंग B12। ये इसको कर्ड भी आप कह सकते हो, लेकिन कर्ड में एक और वैरायटी है पालक रायता, तो पालक रायता में भी B12 पाया जाता है, ये इजीली बन सकता है, दैट इज वाई ये नेक्स्ट रैंक पर डाउन पर रखा गया है इसको। इसके बाद है योगर्ट, योगर्ट भी एक कर्ड की वैरायटी है जिसमें कुछ और शामिल किया जाता है शायद खमीर, मुझे इसकी पूरी नॉलेज नहीं है। योगर्ट इजीली अवेलेबल है, जहां डेयरी प्रोडक्ट मिलते हैं वहां योगर्ट आराम से मिल जाता है, छोटी छोटी इतनी इतनी शीशियों में, जहां इसका कर्ड आता है योगर्ट कर्ड
वो आप 20-25 का रुपए का इतना बड़ा अच्छा स्वाद उसका होता है। तो इसमें B12 काफी मात्रा में होता है। नेक्स्ट है योगर्ट के जो कंपनीज है बनाती है, उन्होंने ये डाट चार्ट दिया हुआ है कि B12 कितनी मात्रा में योगर्ट में पाया जाता है। आप देख सकते हो B12 कैलोरीज है, प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट्स है, सबसे ज्यादा योगर्ट में ये है। तो मेरे ख्याल में जिनको कमी है वो योगर्ट हफ्ते में 1-2 बार आराम से ले सकते हैं। नेक्स्ट है मशरूम। मशरूम सिर्फ नहीं, मशरूम की एक वैरायटी है, शायद इसको शीट एक मशरूम कहते हैं। तो अगर ये इस वैरायटी की मिलती है तो इसमें B12 आपको ज्यादा मात्रा में मिलेगा। ठीक, ये इजीली आप हफ्ते में 1-2 बार मेरे ख्याल में इसकी सब्जी बना के खा सकते हो। नेक्स्ट है फिफ्थ रैंक, ये हो गया फोर्थ रैंक। फोर्थ रैंक पर है स्प्राउट्स, लेकिन इसके साथ मैंने बासी रोटी को रखा है। ये दो पॉइंट एक साथ मैंने क्यों रखे हैं, क्योंकि जो स्प्राउट्स है ये इंडियन डाइट में सुजेस्टेड है फॉर B12, लेकिन कोई भी रिसर्च नहीं मिली जो ये बताती हो कि स्प्राउट्स में जो दालें हम भिगो देते हैं 12 घंटे बाद, 24 घंटे बाद, जहां सर्दियों में 2 दिन के बाद वो ऐसे पुंगर जाती हैं, वो बहुत ही हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। पर यहां B12 के संदर्भ में बात हो रही है कि उस पर कोई रिसर्च नहीं है। तो उस पर रिसर्च ना होने के कारण मैं इसको, लेकिन ये इजीली हर कोई यूज कर सकता है, अपनी डाइट में शामिल कर सकता है, तो उसके साथ बासी रोटी को रखा हुआ है। बासी रोटी जब हम सत्वगुण डेवलप करना होता है, ये सुजेस्ट किया जाता है कि फ्रेश फ्रूट, फ्रेश वेजिटेबल, फ्रेश डाइट और चपाती खानी चाहिए। ठीक है, लेकिन यहां थोड़ा उल्टा है कि बासी रोटी में जब रोटी 5-10 घंटे पड़ी रहती है तो उसमें बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं। वो बैक्टीरिया जो है B12 को डेवलप करते हैं। इसका मतलब है जो बासी रोटी है उसमें B12 की कुछ थोड़ी मात्रा होती है। इसको फोर्थ रैंक पर इसलिए रखा है कि रोटी तो सभी खा रहे हैं ना, तो जो गरीब लोग हैं उनको तो फ्रेश रोटी, पहले तो रोटी पता नहीं इंडिया में कितनी मिलती है, दूसरा फ्रेश कहां से मिलेगी, अगर बासी है तो वो गरीब के लिए अच्छी होगी, थोड़ा B12 मिल जाएगा, मस्कुलर पेन कम हो जाएगी। अच्छा, कई बार हम होता है हम जानबूझ के रोटी को बासी 12-10 घंटे रख के, जो कहते हैं ना वो पंजाबी वो सॉन्ग्स में भी होता है, माँ को चूरी के साथ जहां ही रंजा वो चूरी के साथ जोड़ते हैं, तो बासी रोटी की वो चूरी बनती है, तो उस चूरी में भी B12 होता है। तो अब आप खुद चुन सकते हो कि अगर आपको कभी बासी रोटी खानी पड़ती है तो आप परमात्मा का शुक्र करके इसलिए खा लो कि थैंक यू गॉड B12 दे रहे हो। ठीक है, अगर ताजी रोटी मिल रही हो तो थैंक यू गॉड आप सत्वगुण डेवलप कर रहे हो। तो सब में कोई ना कोई पर्पज है। ये फोर्थ रैंक था। नेक्स्ट है हमारे पास रिसर्च बेस्ड है सी वीड्स। इसको थर्ड में इसलिए रखा गया, इसमें B12 की मात्रा हाई है। ठीक, लेकिन फर्स्ट और सेकंड पर क्यों नहीं रखा गया, क्योंकि ये अवेलेबल इजी नहीं है, Amazon से आप इजीली मंगवा सकते हो, डेवलप्ड कंट्रीज में ये इजीली अवेलेबल है। इसके कारण जो थोड़े रिच है जो अफोर्ड कर सकते हैं वो ग्रीन या पर्पल सी वीड्स अपनी डाइट में डेली में शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेकंड रैंक पर न्यूट्रिशनल यीस्ट। ये सेकंड रैंक पर क्यों है, क्योंकि इसमें B12 की मात्रा इतनी ज्यादा है कि अगर आप एक स्पून लेते हो, एक स्पून में दोगुना, आपको अगर 2.4 चाहिए है तो लगभग इसमें 5 माइक्रोग्राम के करीब B12 है, जो किसी और में शामिल नहीं है। दैट इज वाई इसको सेकंड रैंक में रखा गया है। हाँ, फर्स्ट में क्यों नहीं है, क्योंकि ये भी इजीली अवेलेबल नहीं है, आपको Amazon या ऑनलाइन मंगवाना पड़ेगा, डेवलप्ड कंट्री में आप नहीं हो, आप जानते हो।
ओके नेक्स्ट फर्स्ट रैंक पर क्या आता है जो इजीली ये जो न्यूट्रिशनल यीस्ट है उसकी एक कंपनी है उसकी एड है आप ये भी मंगवा सकते हो। फर्स्ट रैंक पर है इजीली जो हमारे गरीब लोग डेली डाइट में शामिल कर सकते हैं। हमारे डाइट में डेली में इंडियन में शामिल है राइस और कर्ड। साउथ इंडियन डिश है ये थैंक्स उन लोगों का, यहाँ हम कह सकते हैं हमें कल्चर अपने पर मान है। ये डिश कैसे बनती है, अगर गर्मियां हैं गर्मियों में आप जैसे चावल को कुक करते हो वैसे ही करके उसको ठंडा करके थोड़ा सा उस पानी डाल दे और सारी रात वैसे पड़ा रहने दे, सुबह उसमें 2 गुना कर्ड शामिल करके उसको मिक्स करके अपने ब्रेकफास्ट में खा ले। अगर आपको वात दोष ज्यादा है जहां आपको लगता है कि वायु तत्व ज्यादा है तो आप उसमें अदरक या ऐसी कोई भी चीज डाल सकते हो, क्योंकि सुबह तक वो खमीर बनके B12 में बदल चुका होता है और सफिशिएंट मात्रा में एक इसमें से ही आपको मिल सकता है। सेकंड, अगर सर्दियां हैं तो सर्दियों में आप चावल को कुक करके ठंडा करके उसमें डबल एक बाउल अगर चावल है उसमें 2 बाउल जो है कर्ड के डाल के उसको मिक्स करके सारी रात के लिए रख दो, सुबह तक आपके लिए B12 की भारी मात्रा तैयार होगी। ये रैंक 1 पर है इसलिए कि कॉमन पीपल द प्रेफरेंस माय प्रेफरेंस इज कि हर आम आदमी को B12 मिल सके, इसके लिए हमारे पास साउथ इंडियन ये डिश है जो हर कोई इजीली तैयार कर सकता है, कोई ज्यादा झंझट नहीं है। ये तो थी बात वो सोर्सेज की जो इनटेक है हमने अंदर लेने हैं स्टमक तक जाने हैं। अब है स्टमक से ब्लड तक कैसे पहुंचने हैं, उसके लिए हमें अपनी अब्सॉर्प्शन एबिलिटी को इंक्रीज करना होगा। उसको इंक्रीज करने के लिए मैंने 7+ वेज यहां एनलिस्ट किए हैं। फर्स्ट है जो मॉर्निंग का स्लाइवेशन होता है, जो मॉर्निंग का स्लाइवेशन आप उठते हो ब्रश कर लेते हो उसको बाहर कुरला करके निकाल देते हो, वो आपने काफी कुछ खो दिया। असल में आपने ब्रश करने से पहले दातुन करने से पहले उसको इनटेक करना है, इस स्लाइवेशन को आपने पानी के साथ अंदर ले लेना है जो डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपकी बॉडी ने प्रोड्यूस किया है, आपकी बॉडी कंज्यूम उसको कर सकती है, अदरवाइज आप बाहर निकाल के वेस्ट करते हो। तो ये आपकी B12 को अब्सॉर्ब करने की एबिलिटी को बढ़ाएगा, सभी कर सकते हैं। याद रखना है कि पानी जो है अगर पॉसिबल हो RO, नेक्स्ट वैसे मैंने पॉइंट भी वही बनाया है अवॉइड RO वाटर, आप जो क्योंकि उसमें मिनरल्स जो हैं वो काफी मात्रा में मर जाते हैं, इसको अवॉइड करना है। अगर आपको स्टोन की या कोई और प्रॉब्लम है आप ऐसा कर सकते हो, मिक्स करके आधा आधा कर सकते हो। अगर साफ हो काफी डेप्थ से वाटर आपके एरिया में है तो आपको प्योर वाटर वो सीधा नेचुरल वाटर वो पीजिए, वो बेटर है। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट अब्सॉर्प्शन एबिलिटी को बढ़ाने के लिए ड्राई फ्राई, ये विनोद सर ने जो योगपत संस्थान के हैं उन्होंने बताया था, थैंक यू सर। ड्राई फ्राई एंड डेड फूड को अपनी लाइफ से आप निकाल नहीं सकते लेकिन आप कम कर सकते हो। ड्राई फ्राई एंड डेड, आपको पता नहीं है सिर्फ जो एनिमल है वो सीधा ट्री से तोड़कर डाइट ले लेते हैं लेकिन हम उसको कितनी आग में रखते हैं, कैसे उबालते हैं जहां फ्राई करते हैं, उसका सत्यानाश करते हैं। एक तो उसका सत्यानाश करते हैं, दूसरा इधर जो गट है स्टमक है जिसने डाइजेस्ट करना था ब्लड में पहुंचाना था उसका भी सत्यानाश करते हैं। तो इसको अवॉइड करना ही पड़ेगा। पूरी वर्ल्ड की रिसर्च कह रही है कि पिज्जा बर्गर वगैरह जो भी है जंक फूड है उसको पूरा क्रॉस कर दो। ओके, एसिड बैलेंस, ये बात ध्यान, अगर आपके एसिड नहीं बनता तो भी प्रॉब्लम है, अगर ज्यादा बनता है तो भी प्रॉब्लम है। जिनके ज्यादा एसिड बनता है वो एंटी एसिडिक टैबलेट्स लेते हैं, जब वो टैबलेट्स लेते हैं तो वो विटामिन बी को अब्सॉर्ब करने की एबिलिटी को कम कर देते हैं, क्योंकि B12 अब्सॉर्ब होने के लिए आपके अंदर एसिड होना चाहिए, आपको बैलेंस रखना पड़ेगा। आप इसका मतलब है कि आप वो टैबलेट्स ना लें एसिड, वैसे अलग वीडियो में ये बता दूंगा कि एसिड हमारे कैसे बनता है
और नेचुरली हम एसिड और गैस से कैसे बच सकते हैं। एसिड एसिडिटी को आपने बैलेंस रखना है। देन एक प्रोडक्ट है एप्पल साइडर विनेगर, ये है जिनके एसिड नहीं बनता वो ये प्रोडक्ट लेके अमेज़न से मिलेगा, इजीली अवेलेबल नहीं है। इसके 2 चम्मच सुबह शाम ले सकते हैं और इसके एक्स्ट्रा और भी फायदे हैं कि आपके डाइजेशन को ये इम्प्रूव करता है, नंबर 1, ठीक। नंबर 2, ब्लड शुगर लेवल लोअर करता है। नंबर 3, इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है। नंबर 4, आपका वेट थोड़ा कम करता है, बेली फैट को रिड्यूस करता है, कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है और ब्लड प्रेशर को, जिनको ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम है। तो मेरे ख्याल में ये आपको, जो लोग अफोर्ड करते हैं उसको, उनको डाइट में शामिल कर लेना चाहिए। हेल्दी गट ये आपको बनाना पड़ेगा। ये बात याद रखनी है कि ऐसी डाइट लेके आप अपने स्टमक को बेटर कर सकते हो। ये वैसे पॉइंट रिपीट हो चुका है, अगर आपका गट या स्टमक हेल्दी है, स्मॉल इंटेस्टाइन हेल्दी है, तो वो B12 को अब्सॉर्ब ज्यादा करेगी। आप बेशक कम इंटेक है, ज्यादा अब्सॉर्प्शन होगी तो आपको फायदा है। नेक्स्ट है मेरे ख्याल में लास्ट पॉइंट जिसको आपको छोड़ना नहीं चाहिए, ये हमारी विरासत है, ये हमारा कल्चर है, योग। उसमें एक एक्सरसाइज है कपालभाति। कपालभाति से 200-300 तक डिजीज, छोटी से लेकर बड़ी तक ठीक हो जाती है। कपालभाति एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपके स्टमक की, गट की बड़ी अच्छी तरह से इम्प्रूवमेंट करती है। और योग से या कपालभाति से जो करते हैं वो ये भी कहते हैं, अगर आप डेली करते हैं, सफिशियंट टाइम के लिए करते हो, ठीक ढंग से करते हो, तो ये B12 की और किसी भी विटामिन की कमी नहीं होने देते, हवा से ही पूरी कर देते हैं। गरीब भी कर सकता है, अमीर भी कर सकता है। सिर्फ हम इसलिए नहीं करते कि हमको अपने आप को हिलाना पड़ता है, कम्फर्ट जोन से बाहर लाना पड़ता है। एक टेबलेट लेना, इंजेक्शन लेना हमें ईजी लगता है कि अंदर दी बाकी उसने काम करना है, यहाँ आपने काम करना है। सो ये तो रिक्वेस्ट है कि आपको ये अडॉप्ट कर लेना चाहिए। इसके अलावा आप तो फ्रूट और सैलड को ऐड करके, नेक्स्ट पॉइंट है, फ्रूट और सैलड को ऐड करके अपने डाइजेशन को अच्छा कर सकते हैं और विटामिन B12 को पूरा कर सकते हैं। तो ये सुजेशन थे, अगर आपको ठीक लगे, मेरे ख्याल में जो रैंक दिए गए हैं सभी आप अडॉप्ट नहीं कर सकते, उनमें से जो भी आप अपनी एरिया के मुताबिक और अपनी इकोनॉमिक स्टेटस के मुताबिक अपनी डाइट में शामिल कर सकते हो। अगर आप वेजिटेरियन हो आपको जरूर शामिल करने चाहिए, क्योंकि अगर आपको अच्छा डॉक्टर मिलता है वो तो ये कह देगा कि B12 की कमी है, इसको या इंजेक्शन या टेबलेट या ये फूड खाओ। अगर उसकी नीयत अच्छी नहीं है तो वो आपको ABC एक्स्ट्रा टेस्ट बताएगा, आपका जो ये भी खराब होगा, आपका ये भी खराब होगा और आपका ये भी खराब होगा। अगर कोई गलती हो बोलने में, अगर या कोई बताने में, अगर मैंने कोई इन्फॉर्मेशन दी हो, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं लेकिन मैंने स्टडी की थी, आपके सामने रखी है, तो आई एम वेरी 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 सॉरी।